इस समय टोंको से चूरू के मध्य 33वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जब भाई हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज पर पहली बार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। इस समय टॉस जीता है मुकाबले का टोंक ने, तो इसकी कोर्ट पहली रेड यहाँ पर चूरू की तरफ से देखने को मिलेगी। ले लीजिए इस समय पहली रेड चूरू की तरफ से, शात के डिफेंस में इस समय चूरू की तरफ से दर्शी नंबर 8 रेड पर। ले लीजिए चूरू की तरफ से पहली रेड अनुप, इस समय चूरू की तरफ से रेड पर सात के डिफेंस में इस समय अनुप। एक अच्छे फुटर के साथ इस समय बोनस का प्रयास किया है, देखना होगा ऑफिशियल को प्रभावित किया या नहीं। यहाँ पर सेफ रेड रही और अब टोंक की तरफ से दर्शी नंबर 9। इस समय टोंक की तरफ से मुकेश रेड पर। यहाँ पर टू टच का दावा अंक मिलता हुआ यहाँ पर टीम टोंक को, अच्छी रेड यहाँ पर है, शुरुआत अच्छी यहाँ पर टोंक की तरफ से, शानदार टू टच यहाँ पर मुकेश द्वारा। एक बार पुनः इस समय चूरू की तरफ से अनुप स्वाद के डिफेंस में रेड पर। और यहाँ पर अनुप अच्छी रेड के साथ लौटे, दो को लपेटा यहाँ पर, अति शानदार रेड यहाँ पर अनुप की, रेड सेफ टू पॉइंट टीम चूरू। तो दो चूरू एक ही समय टीम टोंक, एक बार पुनः इस समय मुकेश टोंक की तरफ से सात के डिफेंस में रेड पर। आज सुबह के सेशन के जो मैचेज होने हैं वो पहला मैच है हनुमानगढ़ वर्सेस पारा, वो इस सेक्शन में हनुमानगढ़ वर्सेस पारा मुकेश की, और एक अच्छे रेड शानदार डुबकी यहाँ पर, रेड से वन पॉइंट टीम टोंक, दो टोंक दो ही समय टीम चूरू। एक बार पुनः अनुप इस समय चूरू की तरफ से रेड पर। यहाँ पर बोनस अंक मिलता हुआ इस समय टीम चूरू को, एक बार पुनः मुकेश तीन के मुकाबले दो है इस समय। यहाँ पर बोनस अंक मिलता हुआ टीम टोंक को भी, तीन टोंक तीन चूरू। एक बार पुनः इस समय दर्शी नंबर 5 चूरू का रेड रहा इस समय छह के डिफेंस में रेड पर। यहाँ पर सेफ रेड होगी, एक बार मुकेश पुनः एक बार रेड पर, टोंक की तरफ से लगातार मुकेश रेड पर। इस समय टच का दावा ठोका है और बिल्कुल यहाँ पर अंक मिलता हुआ इस समय टीम टोंक को, रेड सेफ वन पॉइंट टीम। डिफेंस टीम टोंक की तरफ से, रेड आउट वन पॉइंट टीम टोंक। इस समय मुकेश एक बार पुनः 4 के डिफेंस में रेड पर। शानदार रेड यहां पर मुकेश की, रेड सिर्फ वन पॉइंट टीम टोंक, एक अंक और यहां पर टोंक के अकाउंट। इस समय अनुप सात के डिफेंस में रेड पर। यहां पर शानदार डिफेंस से टीम टोंक की तरफ से, रेड आउट वन पॉइंट टीम टोंक, एक अंक और यहां पर टोंक के अकाउंट में। तो यहां पर टोंक की शुरुआत अच्छी,
एक बार फिर से मुकेश इस समय दो के डिफेंस में, सुपर टेकल इस समय ऑन है। और यहाँ पर पहली पेनल्टी इस समय टीम चुरू का, 2+2 4.3 स्ट्रॉन्ग। तो 11 के जवाब में 3 इस समय टीम चुरू, 8 अंकों की यहाँ पर है लीड इस समय टीम टोंक के पास। एक बार पुनः इस समय चुरू की तरफ से अच्छी रेड यहाँ पर, एक अंक और यहाँ पर चुरू को मिलता हुआ, 4 चुरू 11 इस समय टीम टोंक। इस समय जर्सी नंबर 3 टोंक की तरफ से पहली मरतबा रेड पर। यहाँ पर सेफ रेड रही और एक बार पुनः इस समय अनुप 6 के डिफेंस में रेड। लाइव एक साइड में बैट बैट नहीं होगा। एक बार पुनः इस समय मुकेश 7 के डिफेंस में रेड पर। इस समय मुकेश ने दवा ठोका है, देखना होगा ऑफिसियल को प्रभावित किया है नहीं। बिल्कुल अंक मिलता हुआ यहाँ पर टीम टॉन्ग को, रेड सेफ 1.3 टॉन्ग। एक अंक और यहाँ पर टॉन्ग के अकाउंट में। इस समय टाइम आउट टीम चूरू, टाइम आउट के बाद मुकाबला एक बार पुनः शुरू। और इस समय चूरू की तरफ से अनुप एक बार पुनः 6 के डिफेंस में रेड पर। 5 इस समय चूरू और 12 इस समय टीम टोंक, 7.2 की लीड यहाँ पर टीम टोंक के पास। इस समय बोनस का प्रयास किया, देखना होगा ऑफिशियल को प्रभावित किया नहीं, क्योंकि बोनस का साफ नियम है एक पेयर बोनस लाइन के पीछे दूसरा हवा में होना चाहिए तभी बोनस वैलिड होता है। और यहाँ पर टच का भी दावा ठोका है, यहाँ पर बोनस अंक जरूर मिलेगा टीम चूरू को। 6 चूरू और 12 इस समय टीम टोंक। एक बार पुनः मुकेश इस समय टोंक की तरफ से 6 के डिफेंस में रेड पर। चूरू वर्सेस टोंक दोनों ही बराबरी की टीमें, बराबर का मैच बनता हुआ टोंक का लंबे गेंद का खिलाड़ी। बिल्कुल यहाँ पर सेफ रेड रही टीम टोंक की तरफ से। एक बार पुनः अनुप इस समय चूरू की तरफ से 6 के डिफेंस में रेड पर। यहाँ पर अनुप को एक अंक और मिल जाएगा, रेड सेफ 1.3 चूरू। 7 चूरू 12 इस समय टीम टोंक। मुकेश एक बार पुनः 7 के डिफेंस में, अब तक के मुकाबले में सफल रहे हैं मुकेश। एक बार फिर से इस समय देखते हैं, इस बार दबाव से लेके शानदार डिफेंस यहाँ पर टीम चूरू की तरफ से, रेड आउट 1.3 चूरू। तो 8 चूरू और 12 इस समय टीम टोंक, 4.2 के लिए यहाँ पर टीम टोंक के पास। एक बार पुनः इस समय अनुप 4 के डिफेंस में चूरू की तरफ से रेड। लेकिन इस समय अनुप की सेफ रेड होगी और अब टोंक की तरफ से जर्सी नंबर 3 रेड पर। 7 का डिफेंस इस समय कोर्ट में मौजूद है, रेडर के लिए बोनस इस समय अवेलेबल होगा। बहुत अच्छा अच्छा प्रयास यहाँ पर, समय एंकर हॉल्ड पर गए हैं लेकिन दो को लपेटा यहाँ पर। अच्छी रेड यहाँ पर टीम टोंक की तरफ से। तो 14 के मुकाबले 8, अनुप एक बार पुनः इस समय 6 के डिफेंस में रेड पर। यहाँ पर अनुप का शानदार टर्न, एक अंक और यहाँ पर मिलता हुआ टीम चूरू को, रेड सेफ 1.3 टीम चूरू। एक बार फिर से इस समय टोंक का रेडर 6 के डिफेंस में, बहुत ही शानदार मुकाबला इस समय दोनों टीमों के मध्य चलता हुआ। जो भी भाई हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज पे पहली बार विजिट है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिए। यहाँ पर अच्छा स्किप, बिल्कुल अंक मिलेगा
रेडर सेफ 1.3 टोंग। एकंक और यहाँ पर टोंग के अकाउंट में, तो 15 के मुकाबले 9, 6 पॉइंटों की लीड इस समय टोंग के पास। अनुप एक बार पुनः इस समय 6 के डिफेंस में रेड पर। यहाँ पर शानदार रनिंग की, बिल्कुल यहाँ पर 20 से अंक निकाला है और वो भी बड़ा अंक है। यहाँ पर मुकेश को बाहर जाना होगा। एक अंक और यहाँ पर इस समय टीम चूरू के अकाउंट में। बिल्कुल आप अपने ज़िले के नाम से कमेंट जरूर डालें ताकि आपके ज़िले का जब भी दोबारा मुकाबला हो तो रिकॉर्ड करने का मन करे। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही आपके ज़िले का मुकाबला हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर टच का दावा टोका है। एक अंक और यहाँ पर टीम टोंक के अकाउंट में, 16 टोंक और 10 इस समय टीम चूरू, 6 पॉइंटों के लीड यहाँ पर टोंक के पास। अनूप एक बार पुनः चूरू की तरफ से 6 के डिफेंस में रेड पर, और अनूप ने अब तक के मुकाबले में काफ़ी अच्छी रेड डाली है चूरू की तरफ से, अपनी टीम के लिए अच्छे अंक बटोरे हैं। एक बार फिर से इस समय रेड पर, लेकिन यहाँ पर एक डिफेंडर सेल्फ आउट। बिल्कुल एक अंक तो यहाँ पर कन्फर्म मिल चुका है, 2 अंक मिल जाएंगे यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर जंप देखने को मिला, रेड सेफ 2.3 चूरू। तो 12 के मुकाबले 16, 4 अंकों के लिए इस समय टोंक के पास। एक बार पुनः इस समय टोंक की तरफ से जर्सी नंबर 5 रेड पर, 7 का डिफेंस कॉर्ट में मौजूद। इस समय हाई होल्ड पर गए हैं और सफलता मिली है। शानदार डिफेंस यहाँ पर टीम चूरू की तरफ से, रेड आउट 1.3 चूरू। एक अंक और यहाँ पर चूरू के अकाउंट में। इस समय अनूप 3 के डिफेंस में, सुपर टेकल इसमें ऑन है। 13 के मुकाबले 16, मात्र 3 अंकों का फासला यहाँ से शेष है। पहले हाफ का खेल इस समय लगभग समाप्ति की ओर है। लगभग 11 से 12 मिनट का समय हो चुका है। यहाँ पर अनूप की एक और अच्छी रेड, बिल्कुल यहाँ पर रेड सेफ 2.3 चूरू। तो यहाँ से मात्र 1 अंक का फासला, 15 के मुकाबले 16 इस समय टोंक, 1 अंक की लीड टोंक के पास। एकमात्र उम्मीद इस समय टीम टोंक की तरफ से, प्लेंटी कगार पर इस समय टोंक। 7 का डिफेंस कोर्ट में मौजूद है, बोनस भी अवेलेबल है, लेकिन प्लेंटी अगर यहाँ पर बचानी है तो टच पॉइंट हासिल करना होगा रेडर को। यहाँ पर गलती हुई डिफेंस में, बिल्कुल अंक मिलेगा यहाँ पर टीम टोंक को। थोड़ी जल्दबाजी कर बैठे यहाँ पर एक अंक और यहाँ पर टोंक के अकाउंट में, 17 टोंक 15 इस समय टीम चूरू। अनूप एक बार पुनः इस समय 2 के डिफेंस में रेड पर। मुकेश इस समय वापस कॉटिन हो चुके हैं टोंक की तरफ से, जो कि बहुत ही शानदार रेडर है टोंक की तरफ से। इस समय हैंड टेकल का प्रयास किया और अपना अंक यहाँ पर दे बैठे। एक अंक और यहाँ पर चूरू को, 16 चूरू 17 इस समय टोंक। एक बार फिर से वही जिम्मेदारी इस रेडर पर। समय बोनस का प्रयास, यहाँ पर बिल्कुल अपना समर्पण कर बैठे हैं। 1+2 3 पॉइंट टीम है चूरू, बोनस पॉइंट टीम टोंक। तो 18 के मुकाबले इस समय 19, 1 पॉइंट की लीड यहाँ पर टीम चूरू के पास। अनूप एक बार बोनस समय रेड पर, 8 नंबर की दर्जी में चूरू का एक बहुत बेहतरीन रेड। इस समय अनूप अनूप 7 के डिफेंस में सेफ रेड होगी इस समय टीम चूरू की तरफ से। एक मरतबा फिर से इस समय मुकेश 7 के डिफेंस में, और 9 नंबर की दर्जी में टॉम का खिलाड़ी। दोनों ही लंबे कद के खिलाड़ी हैं, बहुत बढ़िया पैकेज का प्रयास, शानदार टोटल अंक मिलता है यहाँ पर टीम टोंग को। 19 टोंग और इस समय 19 ही टीम चूरू, स्कोर इस समय बराबर होता हुआ। अनूप एक बार पुनः इस समय अनूप बराबर है। यहाँ पर है सेफ रेड रही टीम चूरू की तरफ से। एक बार पुनः मुकेश इस समय 6 के डिफेंस में रेड पर। लेवल है 19-19 गुरुजी, 19-19 बराबर है, 19-19 बराबर। बहुत ही बड़ा मुकाबला, दोनों ही टीमें संघर्ष करती अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए।
ये समय डिसाइडेड है टीम चूरू की तरफ से। 7 के डिफेंस में इस समय चूरू की तरफ से अनूप रेड पर डिसाइड रेड भी इस समय बोनस भी अवेलेबल है। यहाँ पर रेडर आउट बिना किसी अंक लिए रेड में आप वापस नहीं लौट सकते। 20 के मुकाबले 19 और हाफ टाइम इस समय हो चुका है। ये लीजिए दोस्तों, हाफ टाइम के बाद मुकाबला एक बार पुनः शुरू हो चुका है और इस समय मुकेश टोंक की तरफ से 5 के डिफेंस में रेड बॉल। 20-19 का स्कोर है, मात्र एक अंक की लीड यहाँ पर टोंक के पास है। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला इस समय दोनों टीमों के मध्य। और यहाँ पर टोंक की तरफ से मुकेश की सेफ रेड रही और अब चूरू की तरफ से दर्शी नंबर 9 रेड पर। सोनो इस समय चूरू की तरफ से 7 के डिफेंस में रेड बॉल। यहां पर सेफ रेड रही और अब टोंक की तरफ से जर्सी नंबर 3 रेड बॉल। लगता है दोनों ही टीमों ने दूसरी रेड पे खेलने का मन बना लिया। यहाँ पर सेफ रेड रही एक बार फिर से इस समय जर्सी नंबर 7 इस समय रेड पर चूरू की तरफ से रेड पर। इस समय रेड सेफ 1 पॉइंट टीम चूरू। स्कोर इस समय 20। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला भाई, 20-20 बराबर। इस समय डिसाइडेड है टीम में टोंक की तरफ से। 6 का डिफेंस कॉर्ट में बहुत तो बोनस भी इस समय रेड के लिए अवेलेबल। 30 सेकंड के अंदर यहां पर अंक अर्जित करना होगा। बोनस का अच्छा प्रयास यहां पर, बिल्कुल यहां पर प्रयास अच्छा था तो यहां पर रेडर बोनस पर श्योर है। तो बिल्कुल यहां पर बोनस अंक मिलता हुआ 21 इस समय टोंक, 20 इस समय टीम चूरू। और इस समय चूरू की तरफ से रेड एक बार पुनः रेड पर और यहां पर एक्सीडेंट अंक मिलता हुआ यहां पर टीम चूरू को। 21-21 दोनों टीमों का इस समय स्कोर बराबर। एक बार फिर से इस समय मुकेश 7 के डिफेंस में, इस समय मुकेश रेड पर। इस समय बोनस का अच्छा प्रयास मुकेश का। बिल्कुल यहां पर क्लियर बोनस अंक मिलेगा इस समय टीम टोंक को 22 के मुकाबले 21, एक अंक की बढ़त। एक बार पुनः इस समय अनुप 5 के डिफेंस में चूरू की तरफ से रेड पर। बैकिंग का अच्छा प्रयास और यहां पर अच्छी रेड, बिल्कुल यहां पर 2 अंक मिल जाएंगे। शानदार रेड यहां पर अनुप की 22 के मुकाबले 23, एक अंक की लीड इस समय टीम चूरू के पास। और अब मुकेश 7 के डिफेंस में रेड पर। यहाँ पर अच्छी रेड, बिल्कुल यहाँ पर शानदार रेड, एक अंक और यहाँ पर इस समय टोंक के अकाउंट में। 23-23 दोनों टीमों का स्कोर इस समय बराबर। एक बार पुनः इस समय अनुप 4 के डिफेंस में रेड पर। और यहाँ पर अच्छी रेड, शानदार रेड यहाँ पर, संभवतः यहाँ पर 2 अंक मिलेंगे। रेड से 2 पॉइंट टीम चूरू, तो 2 अंक और यहां पर चूरू के अकाउंट में। 23 के मुकाबले 25 इस समय टीम चूरू। एक बार पुनः इस समय मुकेश टोंक की तरफ से 7 के डिफेंस में। बिल्कुल यहां पर बोनस अंक इस समय मिलेगा टीम टोंक को। बिल्कुल यहाँ पर बोनस 2 टोंक 24 के मुकाबले 25। एक बार पुनः इस समय चूरू की तरफ से अनुप 2 के डिफेंस में रेड पर। सुपर टेक के लिए समय ऑन है। यहाँ पर एक अंक और इस समय मिलता हुआ 26 के मुकाबले 24। इस समय टोंक की तरफ से एकमात्र प्लेयर
पर अच्छे रेडर हैं, यहाँ पर टच पॉइंट पर जाना चाहिए। अगर यहाँ पर प्लेंटी बचानी है तो बिल्कुल मुकेश को टच पॉइंट पर जाना होगा, और यहाँ पर बिल्कुल शानदार टोटल अंक मिलता हुआ यहाँ पर टीम टॉन्ग को 25 के मुकाबले 26, मात्र एक अंक का फासला। एक बार फिर से समझ चुरू का रेडर अनूप, दो के डिफेंस में रेडर। एक अंक और यहाँ पर मिलता हुआ समझ टीम चुरू को 27 के मुकाबले 25। समय मुकेश एक बार पुनः 7 के डिफेंस में रेड पर। बोनस का अच्छा प्रयास यहाँ पर मुकेश का। बोनस प्लस वन टच पॉइंट स्कोर इस समय लेवल होता हुआ, एक और अच्छी रेट यहाँ पर इस समय 27-27 दोनों टीम का स्कोर बराबर। और यहाँ पर अनूप यहाँ पर अच्छी रेट 2+2 4 पॉइंट यहाँ पर प्लेंटी मिलती है इस समय टीम चुरू को। एक बार फिर से इस समय टोंग की तरफ से मुकेश, और लाजवाब प्रदर्शन मुकेश का टोंग की तरफ से। इस समय बोनस का प्रयास 4 अंकों के लीड यहाँ पर टीम चूरू के पास है 31 के मुकाबले 27। बिल्कुल यहाँ पर टोंग को बोनस अंक मिलेगा 28 के मुकाबले 31, मात्र 3 अंकों का फासला। अनु को एक बार पुनः 7 के रिबिंस में डाल। यहाँ पर सेफ रेड रही चूरू की तरफ से। बिल्कुल मुकाबला एक बार पुनः शुरू होता है, इस समय मुकेश 7 के डिफेंस में रेड पर 28-31 का स्कोर, मात्र 3 अंकों का फासला। और बोनस का अच्छा प्रयास यहाँ पर मुकेश का, बिल्कुल बोनस अंक मिलता हुआ 29 के मुकाबले 31, मात्र 2 अंकों की लीड यहाँ पर। इस समय अनूप अच्छा प्रयास, लेकिन एक और सेफ रेड यहाँ पर टीम चूरू की तरफ से। इस समय मुकेश 7 के डिफेंस में। यहाँ पर शानदार डिफेंस, लाजवाब डिफेंस यहाँ पर जर्सी नंबर 5 द्वारा, सॉरी 4 नंबर द्वारा, बहुत ही शानदार डिस आउट यहाँ पर। एक अंक और यहाँ पर इस समय टीम चूरू को 29 के मुकाबले 32, इस समय डिसाइडेड है टीम चूरू की तरफ से। 6 का डिफेंस स्पॉट में मौजूद, बोनस भी अवेलेबल। और यहाँ पर कॉर्नर गलती कर बैठे, अंक मिलता हुआ यहाँ पर टीम चूरू को, रेडर सेफ 1 पॉइंट टीम चूरू को 33 के मुकाबले 29, 4 पॉइंटों की लीड यहाँ पर चूरू के पास। और यहाँ पर एक और शानदार डिस आउट, शायद यहाँ पर रेडर का पैर मिड लाइन तक पहुँच चुका है, तो यहाँ पर रेडर से सॉरी दोनों तरफ के सेल्फ आउट हुआ यहाँ पर डिफेंडर भी। 30 के मुकाबले 34, इस समय चूरू की तरफ से अनूप कुमार। यहाँ पर सेफ रेड होगी अनूप की, एक बार पुनः इस समय मुकेश 6 के डिफेंस में रेड पर। यहाँ पर है बड़ी रेड होगी, बड़ी रेड यहाँ पर 3 को लपेटा है, सुपर रेड यहाँ पर 33 के मुकाबले 34, मात्र 1 अंक का फासला यहाँ पर। सुपर रेड यहाँ पर पड़ी है और टाइम आउट इस समय टीम टोंग। इस समय चूरू की तरफ से अनूप 7 के डिफेंस में, मात्र 1 अंक का अंतराल यहाँ पर 34 के मुकाबले 33 है। यहाँ पर बोनस का अच्छा प्रयास, बोनस अंक मिलता हुआ इस समय टीम चूरू को। इस समय टोंग की तरफ से मुकेश 3 के डिफेंस में रेड पर।
सुपर टेंडर और है यहाँ पर एक डिफेंडर से बिल्कुल यहाँ पर दो अंक मिल जाएंगे इस समय टीम टोंग को, तो स्कोर इस समय लेवल होता हुआ अनुप 5 मिनट का समय स्कोर शेष है और स्कोर इस समय 36-36 दोनों टीमों का बराबर। अनुप लगातार प्रयास करते हुए यहां पर है बल्लेबाज की शानदार सुपर रेड यहां पर अनुप की बोनस प्लस 2 टच पॉइंट 3 अंक मिलेंगे यहां पर टीम चूरू को। 3 अंकों की यहां पर शानदार रेड अनुप की 40 के मुकाबले 36 मात्र 3 अंकों का फासला। एक बार फिर से इस समय मुकेश 3 के डिफेंस में सुपर डे के लिए समय ऑन है। यहां पर अच्छी रेड मुकेश की 1 अंक और यहां पर टोंग के अकाउंट में रेड सेफ 1 पॉइंट टीम टोंग 37 के मुकाबले 39 मात्र 2 अंकों का फासला। अनुप एक बार पुनः इस समय 6 के डिफेंस में रेड पर बोनस इस समय मुकेश अनुप के लिए अवेलेबल है। 4 मिनट का समय शेष है टच का दावा ठोका है लेकिन सेफ रेड होगी। एक बार फिर से इस समय मुकेश 2 के डिफेंस में यहाँ पर शानदार हैंड टेकल लाजवाब हैंड टेकल यहाँ पर 2 अंक मिलेंगे यहाँ पर सुपर टेकल के रूप में बहुत ही शानदार डिफेंस यहाँ पर 2 अंक और यहाँ पर इस समय शुरू को अनुप एक बार पुनः इस समय 5 के डिफेंस में रेड पर इस समय अनुप तीन के डिफेंस में टोंग की तरफ से रेड सुपर डे के लिए समय और है। यहाँ पर एक और है सुपर डे के लिए टीम चूरू को शानदार सुपर डे के लिए यहाँ पर 2 अंक और मिलेंगे इस समय टीम चूरू को शानदार डिफेंस यहाँ पर इस समय चूरू की तरफ से अनुप मात्र 6 अंकों का अंतराल इस समय और अनुप इस समय 4 के डिफेंस में रेड पर यहाँ पर सेफ रेड होगी इस समय टीम चूरू की तरफ से। एक बार फिर से इस समय टोंग का रेड 4 के डिफेंस में रेड पर अगर टोंग की टीम उनको ऑल आउट कर पाती है तो वो का अपना टाइम बनाएगा। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर 2 अंक मिलेंगे इस समय टीम में टोंग को रेड से 2 पॉइंट टीम टोंग और इस समय टाइम आउट टीम टोंग 38 के मुकाबले 42 बिल्कुल बहुत ही रोचक मुकाबला इस समय इस समय डिसाइडर टीम चूरू की तरफ से बोनस का अच्छा प्रयास 38 यहाँ पर टच का दावा ठोका है अंक मिलता है यहाँ पर टीम चूरू को बोनस की मांग की जा रही है बोनस प्लस 1 टच पॉइंट 2 अंक मिले यहाँ पर 44 के मुकाबले 38 मात्र 6 अंकों का फासला। एक बार पुनः इस समय मुकेश 3 के डिफेंस में टोंग की तरफ से ये रेड बड़ा उलट फेर कर सकता है और यहाँ पर काफी अंदर गए हैं टच का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली यहाँ पर अंक मिल जाएगा रन से 1 पॉइंट टीम टोंग 1 अंक और यहाँ पर टोंग के अकाउंट में 39 के मुकाबले 44 मात्र 5 अंकों का फासला। एक बार पुनः इस समय शुरू की तरफ से अनुप 6 के डिफेंस में बिल्कुल लाजवाब प्रदर्शन आज अनुप का। यहां पर अनुप फंस चुके हैं जाल में शानदार डिफेंस यहां पर बोनस अंक जरूर मिलेगा यहां पर टीम चूरू को लेकिन टेकल पॉइंट मिलेगा यहां पर टीम टोंग को। यहां पर प्लेंटी लगती हुई इस समय टीम चूरू को लगभग कंफर्म हो चुकी है। यहां पर 1 मिनट का समय यहां से शेष है और बिल्कुल यहां पर
अंक मिलते हुए यहाँ पर तीन अंक और यहाँ पर इस समय टीम टोंग के अकाउंट में। और यहाँ पर अच्छी रेड है उसकी, बहुत ही लाजवाब रेड यहाँ पर है। बोनस प्लस को 10 पॉइंट, 3 अंक मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 पॉइंटों की लीड इस समय 41 के मुकाबले 46 इस समय। मुकेश 1 मिनट से कम समय शेष बचा है यहाँ पर, मुकेश को एक बड़ी रेड की जरूरत। और यहाँ पर बड़ी रेड, बोनस प्लस 2 टच पॉइंट, 3 अंक मिलेंगे यहाँ पर टीम टोंग को। शानदार रेड यहाँ पर, तो 44 के मुकाबले 46, मात्र 2 अंकों से यह मुकाबला जीता है यहाँ पर टीम है चूरू ने। बिल्कुल यहाँ पर चूरू ने 2 अंकों से यह मुकाबला जीत लिया है।